और नाइट्स आई गेस कैसे हो आप सब। यार एक डाउट काफी बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया CSAS फेज वन का लास्ट डेट कब है, कब क्लोज हो जाएगा एंड सेकंड फेज कब तक स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो में यही डाउट क्लियर करने वाले हैं, सो मेक श्योर करना कि एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं चैनल पर लेकर आता हूँ, लेटेस्ट और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलेगी, प्लस वेरी वेरी कॉन्टेंट भी मिलेगा जो आपको ग्रेजुएशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब, लाइक और ये वीडियो शेयर करके जाओ। यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि CSAS फेज वन की लास्ट डेट कब तक हो सकती है। यार जैसे कि जब नोटिस रिलीज हुआ था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन की तरफ से, उन्होंने भी क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि CSAS फेज वन काफी लंबे टाइम तक चलेगा, ऑलमोस्ट एक महीने से ऊपर तक खुला रहेगा। मतलब ऑलरेडी 29 में पता नहीं 1 जून के आसपास शायद आपके फॉर्म्स रिलीज हुए थे CSAS फेज वन के लिए, तो आप मान के चल सकते हो कि पूरा जेल तो ओपन रहेगा ही रहेगा। बट लास्ट टाइम क्या था कि CSAS फेज टू जब स्टार्ट हुआ था तब भी CSAS फेज वन ओपन रहा था, तो यू कैन अज्यूम दैट कि जब आपका CSAS फेज टू ओपन होगा तब भी आपका फेज वन ओपन रहेगा, तो मतलब तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो एज सच कोई लास्ट डेट नहीं होने वाली CSAS फेज वन की, जब CSAS फेज टू क्लोज होगा तभी CSAS फेज वन भी क्लोज हो जाएगा। CSAS फेज वन के अंदर बेसिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, फेज टू के अंदर आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी, एंड वो फेज टू तभी ओपन होगा जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा एनटीए की तरफ से। तो सिंपल सी चीज है, जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका CSAS फेज टू ओपन होगा। CSAS फेज टू 7 से 10 दिन के आसपास चलेगा, एंड उस 7 से 10 दिन के बाद आपके दोनों फेज क्लोज हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो कि अगर फर्स्ट वीक और जुलाई के अंदर आपका रिजल्ट आता है, बट एनटीए ने बोला है जैसे कि 29 जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, बट अगर उस टाइम पे नहीं होता फिर भी एक हफ्ता एक्सटेंड होता है, तो मान के चलो कि 4 से 5 जुलाई तक अगर आपका रिजल्ट आता है तो उसके एक हफ्ते या फिर 10 दिन तक यानी कि 15 जुलाई तक आपका CSAS फेज टू ओपन रहेगा खुलने के बाद, एंड फिर 15 जुलाई के आसपास आपका CSAS फेज वन एज वेल एज CSAS फेज टू दोनों क्लोज हो जाएंगे, एंड फिर उसके बाद फाइनल राउंड ऑफ स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर आपकी कट ऑफ रिलीज हो रही होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहने वाला है, एंड उनकी कट ऑफ ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास चलती है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके 15-16 अगस्त को कॉलेजेस खुल रहे होंगे, जो कि लास्ट डे लास्ट ईयर भी इसी डेट के अराउंड कॉलेजेस ओपन हुए थे 16 अगस्त को, ठीक है। सो आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, तो मेक श्योर करना है शेयर कर दो दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड कमेंट बॉक्स में बताओ जो भी आप डाउट, आई विल डेफिनेटली कवर दैट डाउट्स इन अपकमिंग वीडियो। बाकी आप लाइव चाहते हो तो आई विल डेफिनेटली कम लाइव, आप कमेंट कर दो कि लाइव मैं आऊँ तो फिर हम लाइव जरूर रखेंगे, एंड विल सॉल्व योर क्वेरीज इन दैट लाइव सेशन। See you in the next one. Till then, this is Tushar and signing off. And सारे social media handle in description में दे रखे हैं। मैं LinkedIn और Instagram काफी ज़्यादा active हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे reach out कर सकते हो और अपनी queries sort out करवा सकते हो। Thank you so much.